सको। जी खेती बाड़ी में जब तक एक चीज से आप इनकम लोगे, एक चीज से पैदावार लोगे, तो ग्रोथ नहीं कर सकते, ग्रोथ नहीं कर सकते। उससे हमें हमारे संसाधनों को बढ़ाना पड़ेगा, नंबर ऑफ रिसोर्सेज जनरेट करने पड़ेंगे। परंपरागत जो खेती है उसके अंदर खर्चा काफी ज्यादा होने लग गया है आजकल। पेस्टिसाइड का देख लो, फर्टिलाइजर का देख लो, सीड का देख लो, लागत ज्यादा है, मुनाफा कम है। तो वो भी एक बड़ा कारण है कि किसानी लोग बाग छोड़ने लगे हैं। लेकिन आप एक प्रेरणा के स्रोत बनते जा रहे हैं झुंझुनू जिले के अंदर। और रिसर्च की मैंने भी काफी जगह में भी घूमा हूँ, मुझे भी अभी पता चला कि मेरे ही जिले के किसान इतने प्रगतिशील किसान हैं। तो मेरा मन किया मैं यहाँ आया, तो भाई साहब से पूरा इनका फार्म विजिट करेंगे, जानेंगे। सबसे पहले तो विजिट करते हैं इनका जो गाय की फार्मिंग है उसके ऊपर चलते हैं अपन और बातचीत करते हैं। भाई साहब आर्मी से रिटायर्ड हैं वैसे, और आर्मी से रिटायर्ड आदमी खेती किसानी में आ रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको जरूर देखने को मिलेगा। वीडियो के अंदर बने रहे, लास्ट तक आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आइए चलते हैं इनके गाय के फार्म में। तो जैसा आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि ये सारी गाय खुली हैं। जी तो हम देसी गायों का पालन करना चाहिए, ज्यादा नहीं कर सकते तो आप एक दो जरूर देसी गाय रखनी चाहिए। और गाय का स्वभाव होता है शांत रहने का, शांत रहने। यदि गाय खुली रहेंगी तो वो शांत रहेगी, वो अपनी मर्जी से बैठेंगी, उनको छाया में बैठना है, धूप में बैठना, क्या बैठना है। हाँ बिल्कुल। और एक सबसे बड़ी समस्या आजकल क्या करते हैं लोग, गाय तो बहुत सारी पाल लेते हैं जी, और फिर बूल नहीं रखते। बूल नहीं रखते तो गाय समय पे कंसीव नहीं हो पाती, समय पे कंसीव नहीं होगी तो समय पे नहीं भी आएगी, हमारी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, कॉस्टिंग बढ़ेगी। एक गाय जो 12 महीने के अंदर वापस बच्चा दे देना चाहिए, और वो गाय बच्चा देगी 18 महीने में, 20 महीने में जी। तो वो 6 महीने जो एक्स्ट्रा खा रही है हमारा, उसी एक्स्ट्रा खाने में हमें बुल रख सकते हैं जी। एक तो अच्छी नस्ल का बुल रखोगे तो नस्ल का संवर्धन होगा, बिल्कुल। दूसरा गाय टाइम पे भी आएगी, बच्चे अच्छे आएंगे, बछड़ियां अच्छी आएंगी, आप गाय स्वस्थ रहेगी, और मेडिकल का खर्चा, डॉक्टरों का खर्चा, कंपाउंडर का खर्चा, वो खर्चा बचेगा। अब जो आपकी गाय है कौन कौन सी नस्ल की है? मेरे पास साहिवाल और गिर, ये दो नस्ल की गाय है, दो नस्ल की गाय है। ज्यादा जोर है गिर नस्ल की गाय के संवर्धन पे। गिर नस्ल हमारे यहाँ पे बहुत कम है, खासतौर पे अपने झुंझुनू और शेखावाटी बेल्ट में बहुत कम है। हाँ। इसीलिए गुजरात से स्पेशल एक गिर बुल लेके आया। एक महात्मा जी थे, उन्होंने मेरे को एक बुल डोनेट किया था कि आप गायों के संवर्धन पे काम कीजिए। वहीं से भावनगर से बुल लेके आया, भावनगर से कुछ बछड़ियां लेके आया। अभी इच्छा है धीरे धीरे एक साथ हम 50 गाय ला के फिर इनका मैनेजमेंट नहीं कर सकते, मैनेजमेंट नहीं, थोड़े से शुरुआत करके हम धीरे धीरे आगे बढ़ने की इच्छा है जी। बिल्कुल। अभी मेरे पास जैसे 10 गाय है, थोड़े दिन में इनको 12 हो, 15 हो, 18 हो, 20 हो, तो अच्छी नस्ल के ऊपर संवर्धन पे हम इसका काम करें, ये इच्छा है जी। मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा जी। किसान भाई आजकल ये एक विटामिन B12 की बार बार बात होती है, आप कोई भी ब्लड टेस्ट कराने जाता है बोले B12 की कमी है, B12 की कमी है जी। ये आप देखेंगे यहाँ पे कड़कनाथ मुर्गियां हैं, ये देसी मुर्गियां हैं, कड़कनाथ वेराइटी की मुर्गियां हैं। तो इनका अंडा कोलेस्ट्रोल फ्री रहता है, कोलेस्ट्रोल फ्री रहता है। जिसकी हार्ट की बाईपास सर्जरी कर रखी है वो भी ये मुर्गियां, इस मुर्गियों का अंडा खा सकता है जी। तो मेरे पास 15 मुर्गियां हैं, और ये सामने इनकी घोड़ी है जिसका नाम है तारा, और ये नाम लेते ही इनके जो मालिक हैं मुकेश जी मांजू इनके पास आके इसके इसके पीछे एक वजह है जी कि वो गाय भक्ति का रूप है जी, बिल्कुल अश्व शक्ति का रूप है जी। भक्ति और शक्ति में समन्वय बहुत जरूरी है। ये आपने समायोजन कर रखा है शक्ति और भक्ति दोनों का। हाँ, भक्ति और शक्ति का समन्वय बहुत जरूरी है, बिल्कुल। दूसरा जो अपना एग्रो टूरिज्म, उसमें मेहमान आते हैं, उनके बच्चे हैं, उनको भी राइडिंग करवा देते हैं हम, तो वो सारा हमें वो भी बेनिफिट मिलता है, वो भी फायदा मिलता है राइडिंग के लिए। तो ये हमारा कुछ नहीं खा रही, जो मेहमान आते हैं रुकने के लिए आ रही है, वो जो उनसे अर्निंग होती है वो बचता है इसके लिए, बिल्कुल वो सारा पैसा बचता है। तो किसी को ये लगता है कि हम कमा रहे हैं, हम इनको जानवरों को खिला रहे हैं, नहीं, जानवर हमें कमा के खिला रहे हैं, बिल्कुल। बस वो भाव देखिए आप कि भाई किस चीज से आपको क्या मतलब मिल रहा है। बिल्कुल, बहुत शानदार इनकी खेती है। अभी देखेंगे इनकी जैतून की खेती, जैतून की खेती से क्या कुछ अर्निंग कर रहे हैं, कब के इनके पौधे लगाए हुए हैं। तो मुकेश भाई साहब, जैतून की खेती आपके दिमाग में कैसे है कि जैतून ये आठ साल पहले मेरे पापा ने न्यूज़पेपर में देखा था कि ये देखो जैतून की फोटो आई है, ये नया प्लांट है कोई, इजराइल से पौधे आए, ये नई चीज है, बोले ये लगानी चाहिए जी। और संयोग देखिए, फिर वो जैतून के पौधे हमने लगाए, और जैसे जैतून के पौधे लगाए हुए 3 साल हुई, उसी अखबार में पापा की जैतून के साथ फोटो आई थी जी। ये देखिए झुंझुनू जिले का एक किसान जिसने जैतून के पौधे लगा रखे हैं जी। तो प्रकृति की मतलब हम प्रकृति के साथ हैं तो प्रकृति हमारे साथ है, बिल्कुल होगी। तो इसमें हमारे पास 4 वेराइटियां हैं जी। जैसे आप देख पा रहे हैं तो देखो कैसे फलों से लदपद है,
बाकी वैरायटियों की हार्वेस्टिंग कर ली सकते हो, शानदार फ्रूटिंग है इनके, कैसे फ्रूटिंग है। बाकी और वैरायटियों की हमने हार्वेस्टिंग कर ली, इसकी भी जल्दी हार्वेस्टिंग करने वाले हैं, टाइम हो गया। ये अरबी क्यूना वैरायटी की, प्रगतिशील किसान अपने साथ जुड़े हुए हैं वीडियो में, आगे बने रहें, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। इनकी खजूर फार्मिंग देखते हैं, खजूर में हालांकि हार्वेस्टिंग इन्होंने कर ली है, वो कोई बात नहीं, अगले सीजन में दोबारा वीडियो बना लेंगे। फिलहाल इनसे जानेंगे इनकी वैरायटी कौन सी है, कब के ये लगाए हुए हैं, और इसके अगर अंदर कोई रोग कौन कौन से आते हैं, उनका उपचार क्या क्या है, खाद पानी क्या क्या डाला जाता है। ये आप अपने जो पीछे सारे खजूर के पौधे हैं, ये वैरायटी है खुनेजी वैरायटी। खुनेजी चेरी रेड कलर के होते हैं, अर्ली स्टेज में पकते हैं जी। तो तकरीबन एक महीने पहले इनके सबकी हार्वेस्टिंग हो चुकी जी। रही बात रोग की, तो इसमें कोई रोग नहीं आता, कोई रोग नहीं आता। इसकी जड़ों में पानी दीजिए, खाद दीजिए, बाकी कोई रोग नहीं आता जी। और ये आप देख पा रहे होंगे व्हाइट व्हाइट थैलियां बंधी हुई हैं, तो इनमें बंच लगे हुए थे, गुच्छे लगे हुए थे। आप देख रहे हैं कितना छोटा पौधा है, इसके देखो कितनी सारी व्हाइट थैलियां बंधी हुई है। बिल्कुल, तो एक पेड़ के 10-10, 12-12 गुच्छे आते हैं, कोई भी गुच्छा 10 किलो से कम का नहीं होता। कम का छोटे से पेड़ में भी तकरीबन जो एवरेज आता है वो 80 किलो 70 किलो 80 किलो तक का एवरेज आ जाता है। तो कमाई की दृष्टि से देखी जाए तो आज के टाइम में इन पौधों ने एक पौधे से तकरीबन 6,000 से लेके 5,000 से लेके 8,000 रुपए तक मेरे को दिए हैं जी। तो वीडियो में बने रहिए, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। भाई साहब, आप एग्रो टूरिज्म में भी काफी आगे निकल चुके हैं अपने आसपास के किसानों से, तकरीबन बात करें जिले के किसानों से भी, क्योंकि जिले के अंदर अभी तक ऐसा कोई देखने को नहीं मिला कि एग्रो टूरिज्म मॉडल अपनाया हो। तो आपके दिमाग में ये कैसे आया कि मेरे को एग्रो टूरिज्म मॉडल अपनाना है? देखिए, सबसे पहले तो जागो तभी सवेरा। बिल्कुल, कोई दिमाग में विचार आया या फिर किसी दोस्त के माध्यम से आया, आपके माध्यम से आया, तो उस विचार पे हम कितना जल्दी अमल करते हैं, कितना जल्दी उस विचार पे काम करते हैं जी। क्योंकि समय तो निरंतर चलता रहता है, वो समय तो रुकता नहीं, बेहतर रहेगा तो अपने, हाँ, अपने को उस विचार पे अमल करना। तो बहुत सारे मेरे दोस्त मेरे को अप्रोच करते थे, बोले यार तू अकेला ही खेत की लाइफ के मजे ले रहा है, बोले यार कभी हम भी आए, कभी हम भी रहे, तो कुछ जो एक झोपड़ी बना ले, कुछ झोपड़ी बना ले। सही है, तो उनकी प्रेरणा से ये चीज बनी है। तो आप देख सकते हो एग्रो टूरिज्म के अंदर अपने खेत के अंदर शानदार व्यवस्था इन्होंने कर रखी है भाई साहब ने। ये झोपड़ा टाइप बना हुआ है, गोल बना हुआ है, तो ये गोल क्यों बना हुआ है ये भी जानेंगे भाई साहब से। साहब, ये आपने गोल आकार का बनाया है, तो इसके पीछे क्या कारण है? देखो, हमारे पुराने जमाने में या अभी भी है, मॉडर्न साइंस भी बोलती है, पुराने जमाने में बोलते हैं, कोई भी गोल चीज होती है, ये ओवल शेप में है जी, कोई भी गोल चीज होती है उसमें एनर्जी ट्रेवल करती है, वो ज्यादा ट्रेवल करती है जी। पॉजिटिव एनर्जी, बैठो, हाँ, पॉजिटिव एनर्जी गोल में ज्यादा ट्रेवल करती है जी। और अपन नॉर्मल चौकोर कमरा होगा जी, तो उसमें वो एनर्जी दीवारें ब्लॉक कर देती है जी। तो आप खुद आके देखेंगे, चाहे कोई ध्यान कक्ष हो, चाहे कहीं भी ऋषि मुनियों की कुटिया हो, आप उसको नोट करेंगे या ध्यान देंगे, वो सारी की सारी गोल शेप में होती थी। गोल शेप में एकाग्रता ज्यादा आती है, गोल शेप में एनर्जी का प्रभाव ज्यादा होता है, एनर्जी का मूव ज्यादा होता है। मतलब कुल मिला के बात ये पॉजिटिव एनर्जी का माध्यम होता है जो गोल शेप में जो होता है, वो पॉजिटिव एनर्जी का माध्यम होता है जी। दूसरा, आप देखेंगे कि मैंने बेड भी परमानेंट, सोफा भी आप देखेंगे, ये बेड भी परमानेंट सीमेंट का स्ट्रक्चर है, सोफे का भी स्ट्रक्चर देखेंगे, ये सोफे का स्ट्रक्चर दिखाओ, ये परमानेंट बना हुआ है, परमानेंट सेम ऐसे टेबल का भी परमानेंट स्ट्रक्चर है। तो इससे क्या है, एक तो हमारी मेंटेनेंस का खर्चा जीरो हो गया, दूसरा ऐसे हम डबल बेड लेके आए तो कोई भी 20-30-40 हज़ार से कम करनी पड़ता, वो कॉस्ट कटिंग होगी, बिल्कुल होगी। और तीसरा कि भी इसके नीचे कोई मिट्टी जाएगी, डस्ट जाएगी, साफ सफाई करना, ये करना, वो कोई चक्कर नहीं रहा जी। जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीन में है, खेत में है, तो भौतिक सुविधाएं पूरी दीजिए, लेकिन यहाँ के जो संसाधन है अपने कम से कम खर्चे में उनके हिसाब से कीजिए जी। तो अभी प्रभु की दया से, भगवान की दया से काफी टूरिस्ट आ रहे हैं, मेरे पास 7 कंट्री के लोग यहाँ घूम के जा चुके हैं, 7 कंट्री के लोग घूम के जा चुके हैं। तो आप देख सकते हो एग्रो टूरिज्म में झुंझुनू के किसान मुकेश जी मांझू काफी आगे निकल चुके हैं जिले के किसानों से। एग्रो टूरिज्म में इनके पास 7 देशों के लोग घूम के जा चुके हैं, काफी सारी सुविधाएं इन्होंने दे रखी है, प्राकृतिक वातावरण है, कमरे के अंदर एसी भी आपको मिलेगा, पंखा भी आपको मिलेगा, वाईफाई की सुविधा भी आपको मिलेगी। आप अगर यहाँ पे 1-2-3 या 4-5 दिन बिताना चाहें तो बिल्कुल आएं, और भाई साहब से और जानेंगे यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था इन्होंने कर रखी है। आप देख सकते हो फार्म पोंड भी है यहाँ पे, और इसी के अंदर मछली पालन भी है। राजस्थान सरकार कृषि विभाग झुंझुनू द्वारा इस योजना के तहत ये बना हुआ है, मुकेश जी भाई साहब से जानेंगे। इसके अंदर इन्होंने मछली पालन भी कर रखा है, तो उसके पीछे क्या कारण है, खुद खाते हैं या जो
एग्रो टूरिज्म के लिए आते हैं उनके लिए व्यवस्था कर रखी है, क्या इसके पीछे कारण है? देखो पहला तो ये था कि घर का कंपाउंड बहुत लंबा चौड़ा है जी, तो उसका जो बरसात का पानी था सारा वेस्ट जाता था जी, तो उस बरसात के पानी का संचय किया जाए जी, तो उसके लिए डिग्गी बनाई। बिल्कुल। फिर वो बरसात का पानी इकट्ठा होगा तो उसमें मच्छर इकट्ठा होंगे, कीड़े इकट्ठे होंगे, मकोड़े इकट्ठे होंगे, तो मछली पालन भी शुरू कर दिया जी। तो गेस्ट आते हैं अपने पास, यदि वो कोई मछली खाने का इच्छुक है, बहुत सारे क्या है अंग्रेज और जिन में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता जी, जैसे जिन बोलता है मेरे को काम बताओ मेरे को काम बताओ, तो जी अंग्रेज भी ऐसे ही हैं जी कि व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन आई डू, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं। तो फिर यहाँ पे एक चेयर डाल देते हैं, कांटा और लकड़ी पकड़ा देते हैं उनको, वो मछली पकड़ने के लिए बिठा देते हैं, तो 2-2.5 घंटे तक बैठे रहते हैं, फिर वो मछली को निकालते हैं, दोबारा फेंक देते हैं, दोबारा पकड़ते हैं, तो उनका टाइम पास हो जाता है। बिल्कुल। मेरे को व्हाट आई कैन डू नहीं बोलते और उनको काम मिल जाता काम है, मिल जाता है, यदि कोई मछली खाना चाहता है तो उनको वो मछली पकड़ लेते हैं, मछली भी खिला देते हैं। और इधर इन्होंने सोलर ऊर्जा का उपयोग करके अपनी बिजली का जो खर्चा है वो काफी कम कर लिया है। 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा रखा है जी। तो पहले बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता था, 12-12, 15-15, 18-18 हज़ार रुपए आता था जी। तो 10 किलोवाट का सोलर लगाने के बाद में अभी ऑलमोस्ट बिजली का खर्चा है वो जीरो हो गया है। और आगे आप देखेंगे सुपर नेपियर घास, जिसकी आजकल बहुत ज्यादा डिमांड है किसानों के पास जो डेयरी फार्मिंग करते हैं उनको भी, और जो घर पे एक दो पशु रखते हैं उनके लिए भी सुपर नेपियर घास की डिमांड बढ़ती जा रही है। भाई साहब के पास खूब सारा है, ये सप्लाई भी करते हैं अगर कोई किसान इनसे मंगवाता है तो वैरायटी की बात करें भाई साहब तो ये कौन सी वैरायटी? ये सुपर नेपियर वैरायटी है, हाइब्रिड में है, आप इसको लगा दोगे दूसरे महीने आप इसकी कटिंग कर सकते हो जी, फर्स्ट टाइम दूसरे महीने कटिंग और उसके बाद में हर महीने इसकी कटिंग कर सकते हो, हर महीने कटिंग। हाँ, बहुत अच्छी ग्रोथ है, बहुत अच्छी हाइट बढ़ती है और सबसे मजे की बात ये है कि पूरे साल दिसंबर और जनवरी को छोड़ के जी पूरे साल हरा रहता है, पूरे साल आपको और कोई चारा लगाने की आवश्यकता नहीं है। दिसंबर में जब हमारे क्षेत्र में पाला पड़ता है तब एक बार ये थोड़ा खराब इसकी ग्रोथ रुक जाती है उस टाइम। हाँ, उस टाइम ग्रोथ रुक जाती है लेकिन फरवरी में दोबारा फुट आना आ जाता है, तो फरवरी से दोबारा इसकी कटिंग रेगुलर कर दो तो हाइट 1.5 महीने तक रहता है। हाइट भी आप इसकी देख सकते हो, हाइट भी खूब अच्छी खासी हाइट, 6 फीट 4 इंच मेरी यहाँ तक हाइट है, उसके बाद मेरे हाथ को आप देख सकते हो कहाँ तक जा रहा है, उसके बाद आप पौधे की हाइट भी देख सकते हो, तकरीबन 12-13 फीट के लगभग इसकी हाइट है। कोई किसान मंगवाना चाहे सुपर नेपियर घास तो भाई साहब मुकेश जी मांजू से आप मंगवा सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये अनार का पौधा है, अनार का पौधा है, अनार से लतपत है, ये भी गेस्टों के लिए, गेस्टों के लिए है, जो गेस्ट अपने पास आते हैं वो तोड़ के अनार खा लेते हैं, अपने घर पे अनार खा लेते हैं, ये मतलब ऑर्गेनिक है तो पूरा ऑर्गेनिक है वो जाते समय। ये जैसे हमारे ये चंदन का पौधा है। अब सुनो आप काम की बात, काम की बात यहाँ से शुरू होगी। चंदन की खेती भाई साहब यहाँ पे कर रहे हैं और तकरीबन 100 पेड़ इन्होंने यहाँ पे लगाए हुए हैं जी। ये झाड़ियों का बगीचा है, ये अपने थाई एप्पल बेर की झाड़ियाँ हैं सारी, लगा दो बिल्कुल। आप देख पा रहे हैं आराम से खड़े हैं, खूब बड़े बड़े पौधे खड़े हैं और आराम से सर्वाइव करेगा। इससे फायदा, दो फायदे होंगे, झाड़ी बहुत जल्दी इनकम पहले साल आपको फल देने लग जाएगी। हाँ। और ये झाड़ियों के आप देखोगे मैंने 4-4 ब्रांचेज छोड़ रखी है, किसी के 3 किसी के 4 बाकी सारी ब्रांचेज काट दी। अपने को एक झाड़ी से 40 किलो से ज्यादा फल नहीं देना, उससे क्या फल की क्वालिटी आएगी और ये झाड़ी जैसे ही फरवरी में कट जाएगी, कटते ही हम इसके अंदर तरबूज बो देते हैं इंटरक्रॉपिंग में, इंटरक्रॉपिंग तो अपने को एक जायद की फसल तरबूज की फसल मिल जाएगी। तो दो दो फायदे। इधर चलते हैं इनके मौसमी के बगीचे में, मौसमी भी इन्होंने लगा रखी है। तो मैंने ऐसा किसान आज पहली बार देखा है जिसके पास इतनी वैरायटियां, इतने पौधे और एग्रो टूरिज्म, ये अलग ही एक लाइन अमरूद की लगा रखी है, ताइवान पिंक वैरायटी के अमरूद है ये, तो ये ताइवान पिंक किसान है जो अपने गेस्ट है उन्हीं के लिए है ये भी, सारा गेस्ट के लिए, सारा गेस्टों के लिए जो आते हैं वो तोड़ के खा सके जी, और जाते समय अपने लिए लेके जा सके अपने परिवार के लिए। अभी नया बगीचा डेवलप किया है, ये मौसमी का है, ये हरियाणा सरकार का और इजराइल गवर्नमेंट का एक जॉइंट एडवेंचर है, सिरसा के पास में, इंडो इजराइल अर्थ शुष्क बागवानी। हाँ, तो उनसे ये मैंने पौधे लिए थे जी, तो तकरीबन 250 पौधे लगाए हैं जी। कुछ पौधे चकैया वैरायटी के आंवले के पौधे भी लगाए हैं, इसके बीच में कुछ आड़ू के पौधे भी ट्रायल के तौर पर लगाए हैं जी। थोड़ी सी इच्छा रहती है कुछ नया करें, और एक मैंने अपने आप से कमिटमेंट कर रखा है, खुद अपने आप से प्रॉमिस कर रखा है मुझे हर साल 100 पौधे लगाने। आपका जो ये फार्म देखा, खेत देखा, आपका एग्रो टूरिज्म का मॉडल देखा, तो काफी सारे किसानों को शायद हो सकता है कुछ किसान इसको अपना भी लें। कोई किसान अगर इनका यहाँ पे आके सारा कुछ देखना चाहे देख सकता है, वीडियो को शेयर करना दबा के, ताकि ये मॉडल अपने और किसान अपनाएं और खेती के अंदर अच्छा खासा मुनाफा कमाएं। वीडियो को शेयर करना, नंबर आपको भाई साहब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।